जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे जी फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन का एड नंबर 6 2024, इसके अंदर कौन कौन सी अहम जॉब्स आई हैं। उसमें नंबर वन पे हैं लेक्चरर मेल की कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री की पोस्ट आई हैं। जो उसकी बुनियादी क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री है, और उसके साथ साथ एज लिमिट जो है वो 22 से 28 साल है, और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। तो इसकी पोस्टिंग पाकिस्तान के अंदर कहीं भी हो सकती हैं, सिंध रूरल के ऊपर और ओपन मेरिट के ऊपर 1 है, और बलूचिस्तान कोटे के ऊपर भी 1 सीट है। तो इसी तरह ये 1 केमिस्ट्री की और 2 कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स भी हैं, तो ये जारी सी बात है जो यंग लोग हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि RID जो इन सर्विस हैं उनके। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा होती है, जिस तरह PhD और फिर उसके साथ साथ MPhil या मास्टर भी है, तो फिर उसके साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये RID जो इन सर्विस लोग हैं ये उनके लिए। अगर हम बात करें तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, तो ये पिछले 2 सालों से लगातार सीट्स अनाउंस हो रही हैं मेल एंड फीमेल की। एक बार मेल की अनाउंस हो जाती हैं, दूसरी बार फीमेल की अनाउंस हो जाती हैं, और ये टोटल 6 सीटें अनाउंस हुई हैं। इसकी बुनियादी क्वालिफिकेशन क्या है कि मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, उसमें आपका BSc भी आ जाएगा, BS भी आ जाएगा, अगर MSc की हो तब भी आ जाएगी, अगर किसी ने प्राइवेट मास्टर किया हुआ तो वो भी एलिजिबल है, अगर किसी ने ADP जो कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो किया तो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो सी ग्रेड से मराद यही होता है कि वो एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न हो उसकी, और कम भी हो तो कोई इतना सेकंड डिवीज़न हो, सॉरी फर्स्ट डिवीज़न नहीं सेकंड डिवीज़न हो, उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, और बाकी जो सारे का सारा दारोमदार है वो आपके टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर। तो फ़र्क बहुत पड़ता है CGPA से भी, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जो बच्चे जिनका CGPA अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है, लेकिन टेस्ट और इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। और लेकिन अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं लेकिन टेस्ट और इंटरव्यू के अंदर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। तो इसके लिए 6 सीटें अनाउंस हुई हैं, मास्टर क्वालिफिकेशन है, 22 से 28 साल एज है, 5 साल एज रिलैक्सेशन है। तो जो RID इन सर्विस हैं उन्हें और भी एज रिलैक्सेशन होती है एज़ पर रूल्स, फेडरल के रूल थोड़े से डिफरेंट हैं पंजाब से, लेकिन फिर भी उन्हें जो जॉब का अर्सा होता है उनको वो मिनहा कर दिया जाता है। यानी अगर 5-7 साल आपकी जॉब है और आप 20+33 को भी क्रॉस कर रहे हैं तो फिर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इसकी लास्ट डेट 24/6/2024 है, और इसकी तैयारी कैसे करनी है, एक तो FPSC के ऊपर जाके आप अप्लाई करें, www.fpsc.gov.edu.pk के ऊपर, और उसके साथ साथ इसकी तकरीबन ये कोई 2-4 हफ्ते बाद FPSC इसका सिलेबस अनाउंस कर देता है। RID अनाउंस किया हुआ है लेकिन मे भी थोड़ा बहुत कोई तब्दीली करे FPSC इसमें, लेकिन आपने FPSC वेबसाइट से टच रहना है और इस चैनल से टच रहना है। जैसे ही सिलेबस इसका FPSC अनाउंस करेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उस बारे में आगाह करूँगा। और जो तैयारी इसकी कैसे करनी है, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 8 माह से ये सिलसिला चल रहा है, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, और उसके साथ साथ लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन की प्रिपरेशन चल रही है। आप उसके अंदर भी शामिल हो सकते हैं, ये नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप, और अपनी ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। बाकी इस अप्लाई करने के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा।